जय हिंद एवरीवन। अभी आप इस जगह पे देख पा रहे हैं कैटेगरी कोड एंड कैटेगरी नेम, मतलब कि आप इंडियन आर्मी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये आपको जानना जरूरी होगा। एक तरह से कह लिया जाए कैटेगरी कोड यानी शॉर्ट फॉर्म है, और इसी का कैटेगरी नेम को कह लिया जाए कि आपका फुल फॉर्म है, तो ये आपको जानना जरूरी होता है। देखो कैटेगरी कोड में लिखा हो रहता है जो आपका ये सब कुछ ट्रेड है, यानी कह लिया जाए ये सभी पोस्ट है, तो यहाँ पे आपको ट्रेड का फुल फॉर्म हम आपको बताएंगे जो यह इस जगह पे शो किया जा रहा है, ताकि आपको ये इन्फॉर्मेशन समझ में आ जाए और ये आपको जानना भी जरूरी होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देख पा रहे एसजीडी, एसजीडी का मतलब होता है, एस मतलब होता है सोल्जर और जीडी मतलब होता है जनरल ड्यूटी, ये ऑलरेडी पहले आप जानते हैं। एसजीडी का कोड जो आपका होता है वो आपका सोल्जर जनरल ड्यूटी होता है। नेक्स्ट यहाँ पे देख पा रहे एसटीटी, इसका मतलब ये होता है सोल्जर टेक्निकल। अब सोल्जर टेक्निकल में यहाँ पे आपको कई सारे टेक्निकल में आपके ट्रेड आते हैं, टेक्निकल आर्म्स भी आते हैं, आपके आरटी भी आते हैं, आर्मी एयर डिफेंस भी आते हैं, यानी आप टेक्निकल वाले ट्रेड में जाएंगे तो ये सभी आप पोस्ट को देखने को आपको मिल सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे देख पा रहे हैं सीएलके, तो सीएलके मतलब होता है सोल्जर कलर और स्टोर कीपर होता है, स्टोर कीपर टेक्निकल होता है, जो ऑल आर्म्स भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे देख पा रहे एसएनए, एसएनए का मतलब होता है सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट, जो आपको मेडिकल कॉप से रिलेटेड, मतलब कि ये नर्सिंग असिस्टेंट में आप जानते हैं कि ये मेडिकल के अंदर में ये आते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख पा रहे एसटीडी, मतलब होता है एनए वेटनरी आपका होता है। नेक्स्ट यहाँ पे देख पा रहे एसटीए, एसटीए मतलब होता है सोल्जर टेक, यानी ये भी आपका टेक्निकल होता है, जो आपका सोल्जर टेक्निकल के अंदर में आपका दो तरह का पोस्ट होता है, एक आपका एवीएन होता है मतलब एविसन होता है, उसके बाद दूसरा आपका होता है एएमएन एग्जामिनर होता है, ये आपका एग्जामिनर आपको समझ में आ रहा है, और एक आपका एवीएन का मतलब होता है एविसन पोस्ट होता है, जो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक मिलेगा आपको, इंडियन आर्मी में एविसन पोस्ट क्या होती है, कैसे उसमें ज्वाइनिंग करना होता है, उसमें पूरा डिटेल के साथ बताया गया है, जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो वीडियो का लिंक दिया गया है उसमें आपको पूरा डिटेल बताई गई है। ठीक है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इंडियन एयरफोर्स आपका होता है, जो आपका हेलीकॉप्टर से रिलेटेड आपको वर्क करना होता है आपको इंडियन एयरफोर्स में, वैसे ही आर्मी के पास स्पेशल हेलीकॉप्टर है जिसके जरिए से आपका काम किया जाता है, वही सब आपका मतलब हेलीकॉप्टर से रिलेटेड, आपका बॉम्ब से रिलेटेड ये सब कुछ काम होता है आपको इंडियन आर्मी में एविएशन पोस्ट के लिए। सोल्जर ट्रेड्समैन जो ऑल आर्म्स होता है, उसके बाद यहाँ पे देख पा रहा और जीटी, और जीटी मतलब होता है रिलीजियस टीचर, जो आपका ग्रेजुएशन के लेवल में ये वैकेंसी निकलती है जिसे शॉर्ट फॉर्म में और जीटी बोला जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देख पा रहे हैं एचवीएल, एचवीएल मतलब होता है हवलदार एजुकेशन आपका होता है, तो ये भी आपकी वैकेंसी निकलती है, लेकिन ये सब रैली भर्ती के थ्रू नहीं आपका सिलेक्शन होता है। नेक्स्ट यहाँ पे देख पा रहे एचएसी, हवलदार सर्वेयर ऑटोमेटेड कार्टोग्राफर होता है, इसका फुल फॉर्म कह लिया जाए। एसपीवाई मतलब होता है सीफो फार्मा इन आर्मी मेडिकल, ठीक है, सीफो फार्मा का मतलब आप जानते हैं कि मेडिकल से रिलेटेड होता है, इसीलिए आपका सीफो फार्मा इन आर्मी मेडिकल कॉप्स इसका फुल फॉर्म होता है। उसके बाद नेक्स्ट और सबसे लास्ट यहाँ पे देख पा रहे हैं डब्ल्यूएमपी, इसका मतलब होता है वुमेन एमपी। आई होप इस छोटी सी वीडियो में जो आपका कोड है, शॉर्ट फॉर्म है, फुल फॉर्म है, पूरा इन्फॉर्मेशन समझ में आ गया होगा। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद जय भारत।